एक बार फिर से कांग्रेस अपने उसी युवा चेहरे पर दांव लगाने जा रही है जिसके दम पर राजस्थान में 2018 का चुनाव जीता गया था। जी हां, सचिन पायलट ही कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प है जिस पर प्रयोग किए जा सकते हैं या जिसके कांधे पर लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहेगी। कांग्रेस सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव में न केवल चुनाव लड़वाने जा रही है बल्कि उनकी संजीदा के साथ ही आक्रामक वाली जो मिलीजुली शैली है उसका लाभ भी उठाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर। तो कांग्रेस अब राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी सावधानी से रणनीति बनाने में जुट गई है। दरअसल पिछले दो चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, ऐसे में कांग्रेस को क्लीन स्वीप का डर सता रहा है और कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में लड़ाने पर विचार कर रही है। चर्चा है कि सचिन पायलट के साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इधर टॉक में भी सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठने लगी है। सियासी गलियारों में भी यही चर्चाएं हैं कि पायलट को इस बार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ाया जा सकता है। बल्कि चर्चाएं तो यह भी है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का दारोमदार सचिन पायलट के हाथों में ही संभलाया जा सकता है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने में जुट गई है। चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के बायोडेटा भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। रविवार को प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा और कांग्रेस के ऑब्जर्वर महेश शर्मा समेत कई पदाधिकारी टोंक पहुंचे थे। तो जिला कांग्रेस कमेटी ने सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मांग कर डाली। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पायलट जिताऊ उम्मीदवार है, अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा सीट से जीत हासिल कर ही लेंगे। जवाब में प्रभारी मीणा ने कहा कि सचिन पायलट राष्ट्रीय नेता है, उनका बड़ा जानादार है और वह चुनाव भी लड़ सकते हैं और साथ ही चुनाव लड़ा भी सकते हैं। यानी सीधे तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव की कमान भी सचिन पायलट को संभलाई जा सकती है। अब बात करते हैं आखिर टोंक से ही सचिन पायलट को चुनाव लड़ाने की मांग क्यों की जा रही है। दरअसल पायलट को टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ाने के पीछे कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यदि पायलट यहां से चुनाव लड़ेंगे तो उनका जीतना लगभग तय है, क्योंकि पायलट दो बार टोंक विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं। गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में पायलट की जोरदार पकड़ है और इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स का भी पायलट को यहां फायदा मिलेगा। वर्तमान में टोंक सवाई माधोपुर सीट से भाजपा के गुर्जर नेता के तौर पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद हैं, लेकिन गुर्जर समाज में सचिन पायलट की गहरी पैठ है, वे ज्यादा लोकप्रिय हैं, इसका लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। कार्यकर्ताओं के अनुसार टोंक सवाई माधोपुर के समीकरण सचिन पायलट के पक्ष में है। पायलट के अलावा कांग्रेस इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। गहलोत को जोधपुर से, इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सीकर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। बायतू विधायक जो हरीश चौधरी हैं उनको जैसलमेर बाड़मेर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह बीकानेर लोकसभा सीट से गोविंद राम मेघवाल के चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। भंवर जितेंद्र सिंह और अशोक चांदना के नामों पर भी कांग्रेस दांव खेल सकती है। तो प्रदेश में हाल ही में सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना चाहेगी। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि देश में मोदी लहर के बीच पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि पायलट को आगे करके चुनाव लड़ने की कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।